यू आर वॉचिंग अहमदनगर सिटी चैनल। नमस्कार, मी सलोनी खिंडारी, एटीव्ही न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। मागासले पण दूर झाल्याशिवाय मुस्लिम समाजाची प्रगती होणार नाही। हाजी शौकत तांबोली, मुस्लिम समाजाची उद्योगतीवर विचार मंथन बैठक संपन्न। मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक, वैद्यकीय व वक्त सारख्या विभागांमध्ये मुसंडी घ्यावी लागेल। या क्षेत्रातील मागासलेपण दूर झाल्याशिवाय मुस्लिम समाजाची प्रगती होणार नाही, असे प्रतिपादन तंजिमे मोमिनीनचे अध्यक्ष हाजी शौकतभाई तांबोली यांनी केले। अकलियत सामाजिक व शैक्षणिक विकास संस्थातर्फे तंजिमे मोमिनीन मार्फत अहमदनगर जिल्ह्यातील मुस्लिम समाजात सामाजिक कार्यकर्ते करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली। यावेळी अब्दुल सलाम खोकर, नोटरी अँड हाफिज एन जागीरदार, आर्किटेक्ट अशरद शेख, उद्योगपती करीम हुंडेकर, इंजिनियर तेसिफ शेख, मुबीन खान, मोहम्मद रफीक शेख, अहमदभाई जागीरदार श्रीरामपूर, हाजी नजीर व जिल्हाभरातून वेगवेगळ्या तालुक्यातून आलेल्या मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। सूत्रसंचलन तंजिमे उर्दू अदबचे अध्यक्ष सय्यद खलील यांनी केले, तर आभार निसार बागवान व आसिफ यांनी मानले। तर कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी ॲडव्होकेट हनीफ बाबूजी शेख शाकीर, सय्यद खलील, मोहम्मद शोएब तांबोली, आसिफ इलियास तांबोली, इंजिनियर मोहम्मद अकील, इंजिनियर अब्दुल्ला तांबोली, उसामा तांबोली यांनी भरपूर परिश्रम घेतले। तर आभार निसार बागवान व आसिफ यांनी मानले। कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी ॲडव्होकेट हनीफ बाबूजी शेख शाकीर, सय्यद खलील, मोहम्मद शोएब तांबोली, आसिफ इलियास तांबोली, इंजिनियर मोहम्मद अकील, इंजिनियर अब्दुल्ला तांबोली, उसामा तांबोली यांनी परिश्रम घेतले। दरअसल जो पूर्वान के अंदर में गर्ज उगाए जो सदारत के दीवार से, तो सदारत के दीवार सामने हमारे अब्दुल्ला भाई चौधरी थे, वो नहीं पहुंचे हैं, का भी इंतजार था और काफी लोग अपने पास में आए कि पूरा हाल भरने वाला है इंशाल्लाह। काफी लोगों के फोन आए रास्ते में, अब वो रास्ते में होने से हम थोड़ा सा ताकीर भी कर रहे थे, लेकिन अभी वक्त भी कम है हिसाब से। पहले जो भाई कुछ बातें ये बताना मुनासिब समझता है इसके लिए कि पहले जी जोहर की नमाज का नज्म हमने यही किया है, आजान भी यहाँ होगी और बिछावत से लेकर नज्म करे यहाँ, खाने का भी नजमिया है। तो इस बात जहन में इसके लिए पहले वाजे कर रहा हूँ कि ताकि दिमाग को लोड न रहे, बाकी एक से एक के साथ में प्रोग्राम को आगे होता है हिसाब से। और वो हिसाब से अपने प्रोग्राम की हमने थोड़ी सी तरतीब ठहराई है। गुजश्ता ये प्रोग्राम क्यों ले रहे, इसका मकसद और क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट है आपके सामने जो डाइस पे बैठे हैं, ये सब मुखरी रहे, ये बोलने वाले हैं, इनको बोलना है और बोलना इस हिसाब से बोलना है, इन्हें उनसे गुफ्तगू हो चुकी है, बाकायद उसमें से वो माहिर लोग हैं, आपसे मैं वाजे करता हूं कैसे हिसाब से। हमारे पास जो है महामनगर जिले में और महाराष्ट्र में जगह जगह पर कोई वाला कई हादसा, अगर हम हमारे अहमदनगर जिले का अगर थोड़ा सा जायजा लेते हैं तो उस मीटिंग में जाना था, तो मैंने शौकत भाई से पहले इजाजत लिया था कि मैं थोड़ी सी देर से पहुंचूंगा। हमारे पास सबसे बड़ी चीज और सॉल्यूशन की किताब है, मुझे ताज्जुब है कि जिसके पास सॉल्यूशन की किताब है और वो मसाइल में गिरफ्तार है। ऐसा है जैसा कि आधी रात में सूरज निकल गया, ये इतनी अनहोनी बात है, लेकिन यह है हम इतने इतने मसाइल गिन रहे होंगे सुबह से, मैं तो था नहीं और बहुत गिन रहे होंगे मसाइल, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ हम किधर जाएंगे भला। सीधी बात है, हम सॉल्यूशन की किताब की तरफ जाएंगे, अल्लाह से पूछेंगे कि अल्लाह हमारे मसले का हल तो बता, बहुत दिनों से परेशान है, 75 साल उसके पहले 100-200 साल बोले तो 200 साल हो गए, पर कभी हमको तौफीक ही नहीं। उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका शागिर्द हूँ और हम ये समझते हैं कि भारत में आज ये कौम इतने बुरे हालत के बावजूद आज भारत की ये मुसलमान कौम दुनिया की सबसे, भारत की सबसे बेहतरीन कौम, सही है ना। आज भी इसमें गुनाहों की तादाद
बुराइयों की तादाद बनिस्बत दूसरे कौम से बहुत कम है, और ये सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो उलमाए कराम। तो उनकी इजाजत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हमने कुरान को खोल के देखा और पूछा कि इस मसले का हल बता, तो कुरान ने हमको एक आयत बताई, कुरान की एक आयत ही काफी है बस। उसने कहा दुनिया में कामयाबी, दुनिया में फलाह, दुनिया में वजूद, दुनिया में इज्जत का राज कुरान ने इस आयत में बताया। उसने कहा कि जो जो चीजें इंसानियत के फायदे की होती है ना, उसी के लिए इज्जत है। और आगे जाके कुरान फरमाता है जो चीजें बेकार होती है ना, समंदर की छाप की मानी क्यों ना हो, वो बेकार होती है, भंगार होती है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम भारत में कितने मुफीद रहे, 75 साल में हमने इस कंट्री को दिया क्या। एक लंबी बात होंगी, हम बाद में किसी दिन हम जगह जगह पर हालात बदल सकते हैं, इस प्रोग्राम के तहत जा रहे हैं, एक लंबी खुलासे की बात है, लेकिन इसका हल सिर्फ एक है भारत। और हमको सबको ये बात समझना चाहिए, सब दानिशवर लोग बैठे हैं यहाँ पर, समझदार लोग बैठे हैं, कि सिर्फ दो चीजें भारत ने मुसलमानों को करनी है। एक तो वो मुफीद बनना है, फायदेमंद बनना है सारी इंसानियत के लिए, और दूसरा मौसर बनना है। मुफीद चीजें भंडार में नहीं डाली जाती, उठा उठा के सर पे रखी जाती है, ये हमारी पुरानी तारीख है। तो आइए हम इस बात की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि हम मुफीद और मौसर बनने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदारी नहीं है, और ये कायम होता है आपस के मामलात, अखलाकियात, एक दूसरे को दरगुजर करना, एक दूसरे को सराहना, इससे ये इत्तेहाद कायम होता है। हम एक दूसरे की कंपटीशन में लग गए, जिसके वजह से एक दूसरे को जलील करना हमारा मकसद ज़िंदगी बन गया। हर आदमी अपने आप को ऊंचा बताना, ऊंचा समझना, औरों को जलील करना, ये आज हमारे माशरे में आम हो गया। शोहर बीवी को जलील करता है, जिसकी वजह से नतीजा तलाक तक पहुंच जाता है। बीवी शोहर को जलील करती है, जिसकी वजह से आपस के खानदानों के झगड़े जो आज हम अपने माशरे में देख रहे हैं। एक महल्ले वाला दूसरे महल्ले वाले को जलील करता है, एक इलाके वाले दूसरे इलाके वालों को जलील करते हैं, कहीं भी समझदारी दूर दूर तक नजर नहीं आती। वजह इसके पीछे हसद है, और हसद एक ऐसी बीमारी है जो इत्तेहाद को तोड़ दे, खत्म कर दे, इत्तेहाद खत्म हो जाए। इसलिए इसमें माशरे में एक सबसे पहली बुनियाद अल्लाह से अच्छा गुमान और आपस में अच्छी जबान, ये दो चीजें हैं। अगर ये दो चीजें हमारे अंदर में आ जाएगी तो अल्लाह की ताईद हमारे साथ होगी आसमानी, और मखलूक से अच्छी जबान, चाहे वो अहले ईमान हो ना हो, कोई हो, अच्छी जबान, अखलाक, कैरेक्टर हमारा जो समझ में आएगा हमारी जबान के बोल से समझ में आएगा। हम लोग अभी यूरोप का सफर कर कर आए, 6 मुल्कों का मैंने वहां अखलाक देखे। वाकई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात याद आई कि वो यूरोप गया, और यूरोप जाकर सफर कर कर आया तो उसने अपना एहसास बताया कि मैंने यूरोप में इस्लाम देखा, मुसलमान नहीं देखा। फिर वो अरब मुल्कों में जाकर आया, उसने अपना एहसास जाहिर किया कि मैंने अरब मुल्कों में मुसलमान देखे, इस्लाम नहीं देखे। इस्लाम का सबसे बड़ा जो हथियार है वो अखलाक है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तुम अखलाक को पेश करो, कौमें ईमान की तरफ, इस्लाम की तरफ आएगी। तुम्हाला जर इतरांपेक्षा वेगळं फर्निचर करायचं असेल किंवा त्यातही प्युअर सागवानीच हवं असेल तर तुम्हाला एक नाव सुचवतो। कोणतं? पित्रोडा फर्निचर, जिथं प्युअर सागवानी लाकडामध्ये देवघर, डायनिंग सेट, टीपॉय, ऑफिस चेअर, तसंच कपाट, बेड, सोफा सेट, कम्प्युटर टेबल आणि इतरही फर्निचर उपलब्ध, तसंच बजाज फायनान्स वर फर्निचर उपलब्ध। पित्रोडा फर्निचर, न्यू टिळक रोड, अहमदनगर।